भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। योगी सरकार में सट्टा माफियाओं पर नहीं है पुलिस का काबू। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां सट्टा माफियाओं की बोल रही है तू तू। पुलिस भी सट्टे माफियाओं पर कार्रवाई करने में असमर्थ साबित हो रही है। आखिर माजरा क्या है ये किसी को नहीं है मालूम। क्यों पुलिस कार्रवाई न करके इनके हौसले बुलंद कर रही है। हालांकि पूर्व कप्तान बबलू कुमार ने सट्टा माफिया कर कड़ा शिकंजा कसा था, लेकिन जब से उनका ट्रांसफर हो गया है सट्टे माफियाओं ने पुनः अपनी पकड़ शहर में बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के लंबी गली का है, जहां सट्टा माफिया भूपेंद्र, जो कि काफी समय से क्षेत्र में सट्टे का काम कर रहा है, उसने क्षेत्र का माहौल शराब सट्टा और जुआ करके खराब कर रखा है। क्षेत्र के लोग दबंगई के कारण उसकी शिकायत करने से भी घबराते हैं। पीड़ित युवक ने बताया कि जब वह अपने रुपया मांगने भूपेंद्र के पास गए तो भूपेंद्र ने उन्हें गाली गलौज करते धमकाना शुरू कर दिया और फिर तमंचा निकलते हुए कहा कि यहाँ से चला जा रहे तो तुझे जान से मार दूंगा। तभी भूपेंद्र के एक साथी बोना ने युवक के साथ मारपीट भी की, जिसकी तहरीर युवक द्वारा जगदीशपुरा थाना इंचार्ज को दी गई है। इसके अलावा पूर्व में भी सट्टा माफिया भूपेंद्र द्वारा एक पत्रकार को तमंचों के बल पर बंधक बनाकर धमकाने का भी मामला हो चुका है। तब भी पुलिस द्वारा मामले में लीपापोती कर सट्टा माफिया भूपेंद्र को बचा लिया गया। आखिर ऐसा क्यों है कि थाना जगदीशपुरा पुलिस इन सट्टा माफियाओं पर इतनी मेहरबान है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब आला अधिकारी इन दबंग सट्टे माफियाओं पर कार्यवाही करते। आपका नाम? कहाँ के रहने वाले हो? जगदीशपुरा। कहाँ पर? बन्ना वाली गली के सामने। क्या कुछ मामला हुआ तुम्हारे साथ? मामला ये हुआ था, भूपेंद्र जो है उसके पास गया था पैसे लेने, बोला तमंचा निकाल के, बोला तो नकारे के लिए जान से मार दूंगा। भूपेंद्र कौन है? भूपेंद्र वही जो सट्टा लेता है, सट्टा लेने लेता नहीं है वही भूपेंद्र। कहाँ पर सट्टा लेता है? नहीं नहीं घर के आसपास ही। आपके घर के? घर में राकेश पांडे नहीं है, उसी घर में जुआ होता है, उसी के घर में सट्टा। अभी कल पर तो सरपटा तमंचा निकालते बोले जय साले तेरे को जान से मार दूंगा। तो इस मामले को लेके आपने थाने पे कोई सूचना दी? दी तो दी, रात को आया तो था मैं, कोई सुनवाई नहीं करी थी किसी ने। कितने बजे? करीब तकरीबन 8-9 बजे के टाइम पर आया था। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं।